अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज़। और पहले मैच की बात करते हैं, पेशावर ज़ुल्मी और लाहौर की जो मैच खेला गया। मेरे ख्याल में बहुत गंदी क्रिकेट खेली पेशावर ज़ुल्मी की टीम ने। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, सबने गलत शॉट्स खेले। कामरान अकमल ने गलत शॉट खेला, शोएब मलिक ने गलत शॉट खेला, शायद वो थर्ड मैन पे खेलना चाह रहे थे जिसकी वजह से वो कॉट बैंड हुए। उसके बाद हैदर अली पाकिस्तान टीम के अंदर खेल रहे हैं, ना वहाँ परफॉर्म किया ना यहाँ परफॉर्म किया, कहाँ परफॉर्म करेंगे कोई पता नहीं है। इमामुल हक मैच की पहली बॉल पे शॉट मारने चले गए, इतना दूर बॉल था उसको ड्राइव मारने चले गए, हालांकि वो बॉल मुंह पे भी नहीं था। लेकिन अगर लाहौर की बात करें, पेशावर की बात करें, उसकी बाकी बैट्समैनों की पेशावर की बात करें, तो रवि बुपारा की बड़ी मेहरबानी है, उसने 50 किए। उसके बाद रदरफोर्ड जो हैं उन्होंने तो कुछ 20-25 रन किए, 27 रन आई थिंक किए, तब जाके इनका जो स्कोर है वो 140 रन हुआ। अदरवाइज़ मेरे ख्याल पूरी टीम शायद 100-120 पे पूरी टीम आउट हो जाती। एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की एक दफ़ा फिर शाहीन ने मेरे ख्याल में, और एक सलमान फास्ट बॉलर, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। हर दफ़ा शाहीन अफरीदी जो हैं वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग करते हैं, हमेशा सर्किल में विकेट्स दिलाते हैं और अपनी टीम को ऊपर ले जाते हैं। विकेट्स दिलाना अच्छी बात होती है, लेकिन जो दूसरी टीम होती है जो खेलने आती है, कम से कम उसको भी दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि हम लोगों ने सर्किल में किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि हाई स्कोर रन्स नहीं हो रहे अभी तक, किसी मैच में भी 170, 80, 190 रन, इस टाइप के रन्स नहीं हुए कि बंदा सोचे क्या वजह। लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टीम भी टॉस जीती है वो पहले करती है बॉलिंग, और जो टीम बैटिंग करती है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है कि ड्यू ना हो जाए, हमें रन ज़्यादा करने हैं, तो वो पहले सर्किल में ही मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सर्किल में ही वो 2-3 विकेट्स गिरा देते हैं। जब आप सर्किल में 2-3 विकेट्स गिरा देंगे तो कहाँ से फिर रन्स बनेंगे। लाहौर कलंदर की तरफ से भी किसी ने कोई इतने ज़्यादा रन्स नहीं किए। हफीज़ ने 33 किए, नॉट आउट रहे, लेकिन राशिद खान ने भी थोड़े बहुत रन्स किए और वो भी नॉट आउट रहे। उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर ये मैच 6 विकेट्स उनके गिरे थे, उस पर वो मैच जीत गए। दूसरे मैच की बात करते हैं, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का मैच था। मुल्तान ने पहले बैटिंग की, मुल्तान की जो पूरी टीम है वो 150 रन पे आउट हो गई। 71 रन किए रिजवान ने, उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं था कि वो इतने ज़्यादा रन कर सके। मेरे ख्याल है रिजवान की जो फॉर्म लगी हुई है बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर्म लगी हुई है, और अगर जो दूसरे कीपर्स अब समझते हैं पाकिस्तान के कि अब हम पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं वापस, ये हमारी जगह बनती है, मेरे ख्याल है वो बहुत मुश्किल है। रिजवान की वजह से रायलू रूसू ने थोड़े बहुत रन किए, उनकी वजह से 150 रन हुए। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद ने जो क्रिकेट खेली है, एक टाइम पे ऐसा था, लग रहा था कि इस्लामाबाद की टीम ये 100 भी नहीं करेगी। आई थिंक 70-75 रन पे 7 विकेट्स गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद जो ग्रोगरी ने आके जो छक्के चौके मारने शुरू किए हैं, उन्होंने आई थिंक 49 रन किए हैं, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग की है। शाहिद अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और बड़ी एनर्जी आज नज़र आ रही थी, बड़ी एफर्ट कर रहे थे, लग रहा था कि उनके माइंड में एक चीज़ है कि पहला मैच तो जीतना है। और इस्लामाबाद की टीम, जो लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की टीम बड़ी है, इस टीम को हराना है। मेरे ख्याल में फास्ट बॉलिंग में कुछ मुझे ऐसा लगता है कुछ थोड़ी सी बेहतर टीम खिलानी चाहिए थी, क्योंकि सोहेबुल्ला आई थिंक कोई फास्ट बॉलर एक नए खेले हैं, अगर उनकी जगह सोहेल खान को खिलाया जाता तो मेरे ख्याल, मुल्तान सुल्तान की तरफ से अब सोहेल खान का नाम है तो मेरे ख्याल कुछ बेहतर होता, क्योंकि सोहेल खान हमेशा जो है वो T20 क्रिकेट में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, उनको आज नहीं खिलाया गया और सिर्फ एक ही स्पिनर खिलाया गया शाहिद अफरीदी की सूरत में। अब क्या उस्मान कादर को खिलाना चाहिए था, और मुल्तान के पास इमरान ताहिर भी था। अब ये तो इनको बाद में पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती की है। अगर शाहिद अफरीदी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं तो दूसरा अगर कोई स्पिनर होता, उस्मान कादिर होता या इमरान ताहिर होता, तो शायद वो भी विकेट्स दिलाता और इस्लामाबाद की टीम जो है ये मैच हार जाती। बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली जो क्रॉकरी ने
ग्रॉकी आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने जो बैटिंग की है बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म की बैटिंग की, आपको पता बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी वो करते हैं। ये थी जी दो मैचेस की रिपोर्ट, अगर कुछ नंबर्स में या फिगर्स में कुछ गलती होगी तो माजरत चाहता हूँ, क्योंकि दो दो मैचेस होते हैं, नंबर्स याद रखना, आउट याद रखना, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।